हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है गेमिंग रेमो यूट्यूब चैनल की और एक न्यू वीडियो पर। तो फ्रेंड, फ्री फायर के अंदर ऐड हो चुका है एक न्यू कैरेक्टर, जी जो फीमेल कैरेक्टर है और ये फीमेल कैरेक्टर का नेम है डसा कैरेक्टर। ये कैरेक्टर का एबिलिटी क्या होने वाला है और आप लोगों को एबिलिटी टेस्ट करके भी दिखाएंगे और ये कैरेक्टर आप लोगों को कैसे मिलेगा और ये ऑलोक से ज़्यादा या के कैरेक्टर के ज़्यादा बेस्ट है कि नहीं, वो भी इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर दबा देना फ्री फायर के लेटेस्ट अपडेट इवेंट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलते हैं, आप लोग जो ये कैरेक्टर का एबिलिटी क्या होने वाला है, कैसे आप ये कैरेक्टर ले सकते हो, तो ये कैसे ले सकते हो ये तो लास्ट में बताएंगे, बट फास्ट बताएंगे इसका एबिलिटी क्या होने वाला है और पूरा फुल जो प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे किस तरह एबिलिटी है इसका। तो ये जो फास्ट लेवल पे इतना है, मतलब 30% 60% इसका जो एबिलिटी है और ये कैरेक्टर के अंदर जो फोर्थ स्किल है, मतलब फोर्थ एबिलिटी है, मतलब समझ सकते हो एक कैरेक्टर के अंदर फोर्थ एबिलिटी। तो ये जो एबिलिटी क्या क्या एबिलिटी है वो तो बताएंगे और पूरा मैक्स लेवल के बताएंगे, पूरा जो मैक्स करने पर जो आपको एबिलिटी क्या मिलता है वो बताएंगे। तो यार देख सकते हो फास्ट जो इधर फोर्थ, मतलब पूरा मैक्स करने पर आपको क्या एबिलिटी मिल जाता है। तो आप लोगों को इधर देख सकते हो पूरा लेवल 8 करने पर आपको फास्ट जो है, फास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार फास्ट एबिलिटी आता है देख सकते हो, रिड्यूस डैमेज टेक फॉर्म फ्यूल बाई 50%। तो ये जो है आप लोगों को पता है, मतलब बहुत सारा, मतलब सभी करेक्टर क्या होता है, मतलब समझ सकते हो भीमा शक्ति का चिमनी के ऊपर से नीचे जाम करने पर तो सभी करेक्टर का जो है क्या बोलता है डैमेज, मतलब HP जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और 10 HP सिर्फ बचता है, समझ सकते हो। और जो ये करेक्टर यूज करने पर, मतलब जो डासा करेक्टर यूज करने पर, आप जिस जैसे ऊपर से जाम करते हो चिमनी के ऊपर से, आप नीचे गिरने पर आपका HP जो कम रहेगा, मतलब 50% कम हो जाएगा, मतलब आपका जो 50% रहेगा, मतलब 100 से 100% HP रह जाएगा। तो समझ सकते हो कितना अच्छा करेक्टर होने वाला है। जो बंदा रास करता है, जो बंदा सर्वाइव करता है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेक्टर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग रास करते हो या सर्वाइव करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। उसके बाद सेकंड जो है इसका एबिलिटी आता है, सेकंड एबिलिटी आता है इसका जो है रिड्यूस रिकवरी टाइम फ्रॉम फेल बाय 80%। तो यार ये वाला जो करेक्टर, मतलब सभी करेक्टर क्या होता है, सभी करेक्टर जो है आप लोगों को पता है, कोई घर के ऊपर से, कोई चिमनी के ऊपर से जाम करने पर, जो जाम करने पर जो मिट्टी में पहले हाथ फेंकता है, उसके बैठता है, उसके मिट्टी में हाथ फेंकता है, उसके बाद जो है खड़ा होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है और एक उस टाइम क्या होता है बहुत सारे एनिमी जो मार देता है। बट ये करेक्टर यूज करने पर क्या होगा, जैसे ही जाम करेगा तुरंत जो है खड़ा हो जाएगा। तो समझ सकते हो, तो वीडियो स्क्रीन पर आएगा, इस तरह वीडियो आ जाएगा इस वीडियो के तो अंदर, तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। उसके बाद थर्ड जो एबिलिटी आता है, रिड्यूस रेट ऑफ जो है रिकॉइल, तो ये 10% बढ़ा देता है। तो आप लोग जो है पता है, मतलब ये करेक्टर यूज करने पर आप लोगों को क्या होगा, जो आप फायर करते हो किसी भी गन से, MP40 या जो है UMP, इस तरह गन से जो फायर करते हो, तब क्या होता है वो गोली बहुत ज़्यादा रिकॉइल होता है, मतलब रिकॉइल नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो है रिकॉइल होता है, और रिकॉइल को कम, बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और जो है रेट ऑफ फायर थोड़ा बढ़ा देता है और जो रिलोड स्पीड भी और भी थोड़ा बढ़ा देता है, मतलब रिलोड जो बहुत ही फास्ट हो जाए। तो समझ सकते हो कितना अच्छा है। उसके बाद फोर्थ जो इसका एबिलिटी आता है, फोर्थ एबिलिटी रिड्यूस मैक्सिमम जो है रिक्वेल बाई, तो 10%। तो जो ये करेक्टर यूज करने पर आपका जो गान का रिक्वेल है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है, मतलब 10% कम हो जाता है, तो गोली जो है सीधा देता है, तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो इसका वीडियो चलेगा, फास्ट का जो वीडियो चलेगा, उसका सेकेंड का वीडियो चलेगा, थर्ड और फोर्थ का तो आप समझ गए होंगे उतना अच्छा नहीं है, बट जो फास्ट और सेकेंड का जो एबिलिटी है बहुत ही अच्छा है, मतलब फास्ट एबिलिटी और सेकेंड एबिलिटी का जो काम है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फास्ट एबिलिटी के बारे में पहले बात कर लेंगे। तो फास्ट एबिलिटी आप लोगों को बता दिया, रिड्यूस डैमेज टेक फ्रॉम फेल बाई 50%। तो किसी भी चिमनी के ऊपर से जैसे जाम करते हैं, आप लोगों को पता है 50%, मतलब किसी भी करेक्टर के 10% कम होता है और एक करेक्टर यूज करने पर 50% कम होगा। तो देखो वीडियो चल रहा है, देख सकते हो आप जो चिमनी के ऊपर से जाम कर रहे हैं, और मतलब ये जो डासा करेक्टर और जो है एडम चाचा दोनों एक साथ जाम कर रहे हैं, जाम करने पर जो है जैसे नीचे गिरता है, जैसे गिरने के बाद देख सकते हो इसका रिजल्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो डैमेज एडम चाचा है सिर्फ 10 HP बचा हुआ है और हमारा डासा करेक्टर का HP देख सकते हो 50, मतलब 100 HP बचा हुआ है। कितना अच्छा करेक्टर है, जो मतलब जो है मतलब सर्वाइव करता है इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो है इसका उसके बाद सेकेंड जो है सेकेंड एबिलिटी, तो सेकेंड एबिलिटी इधर क्या लिखा है, रिड्यूस रिकवरी टाइम फॉर फेल।
रिकवरी टाइम जो है मतलब किसी भी कैरेक्टर का मतलब जाम जैसे करता है उसके बाद टाइम लगता है खड़ा होने में, तो ये कैरेक्टर यूज करने पर जो जैसे ही जाम करेगा तुरंत जो खड़ा हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। और एट ऑफ फायर और जो नीचे जो दो मतलब तीन और जो फोर्थ जो है एबिलिटी, और ये तो रास प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो फ्रेंड रास करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेक्टर है। तो समझ सकते हो कितना अच्छा करेक्टर है ये वाला आने वाला है। और यार लास्ट में बताएंगे ये वाला आप लोग को फ्री में मिल सकता है, तो 80% चांस है फ्री में मिल सकता है। बहुत सारा जो है सर्वर के अंदर फ्री में दे रहा है ये वाला करेक्टर, तो ये इंडिया सर्वर के अंदर फ्री में भी आ सकता है, और नहीं आया तो टॉप अप इवेंट के अंदर आएगा, टॉप अप इवेंट के अंदर नहीं आया तो कोई एक इवेंट के अंदर दे देगा। तो देखते हैं फ्री में देता तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर रहेगा और बहुत ही अच्छा जो है हम कैरेक्टर का जो यूज कर पाएंगे रास गेम प्लेंगे करने में या सर्वाइव गेम प्ले करने में, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा ये जो कैरेक्टर यूज करने में। तो ये जो कैरेक्टर कोई इवेंट के अंदर आ सकता है और आप लोगों को फ्री में देगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ही फ्री में दे देगा मेरे चैनल पर वीडियो आ जाएगा, कोई लिख निकल के आ गया तो फ्री का जो है इंडिया के अंदर जो फ्री में देने का कोई वीडियो आ गया तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। तो सभी वीडियो का फ्री फायर के रिलेटिव जो है जितना सारा वीडियो आता है मैं अपकमिंग अपडेट एंड इवेंट के बारे में सब कुछ पहले ही बता देता हूँ। तो आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल पर दबा दो फ्री फायर के लेटेस्ट अपडेट एंड इवेंट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो एक तो शेयर बनता है, इतना अच्छा वीडियो बना दिया तो आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा हुआ। और यार थोड़ा मेरा जो साउंड बैठा हो सकता है तो कमेंट करके बताओ मेरा साउंड क्वालिटी कैसा है। तो यार वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर दबा देना फ्री फायर के लेटेस्ट अपडेट एंड इवेंट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।